Morning dear student, today I am going to explain you class 12th accountancy chapter 12 analysis of financial statement. यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा, इसके पहले मैं आपको वीडियो डाल चुका हूँ कंपेटिटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, और आज का अपना टॉपिक होगा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे तैयार करें। तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो बिना देर करते मैं इसकी शुरुआत, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन आपके लिए दिया होगा, प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, जिसमें इंफॉर्मेशन आपको होगी। पर्टिकुलर में आपको दिया इनकम, बहुत ही सिंपल वे में इसे ये मान के चलो कि आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्व आपको करना, बहुत सिंपल सा काम इसमें करना, देखें वो क्या करेंगे। फर्स्ट नंबर इनकम, इनकम में आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहां पर नेट सेल्स होगा, इसको हम नेट सेल्स होगा, नेट सेल्स का मींस यदि रिटर्न होता है तो वो माइनस करके जो बचेगा वो नेट सेल्स। तो यहां पर इनकम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको 2017 का दे रखा है क्वेश्चन में 10 लाख, और 2018 का अमाउंट है 12,50,000। अब फर्स्ट आपको इसमें करना क्या है कि डिफरेंस क्या है कंपेटिटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में, उसमें आपका थर्ड कॉलम यहां पर कॉलम नंबर 4 एब्सोल्यूट चेंज का होता है और लास्ट होता है परसेंटेज का, जबकि इसमें दोनों कॉलम आपके परसेंटेज के होंगे। यहां पर कॉलम नंबर 4 17 का परसेंटेज इसमें आएगा और 2018 का परसेंटेज पीछे आएगा, यानी कि 17 वाले अमाउंट का परसेंटेज 17 वाले कॉलम में, 18 वाले का परसेंटेज इधर 18 वाले कॉलम में। तो देखते हैं कैसे निकालना है। फर्स्ट नंबर आपने जो लिखा 10,000, यहाँ पर 10,000 जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए क्या 10 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 10 लाख, यहाँ पर अकाउंट में जो अमाउंट आएगी वो सेम बेस अमाउंट आपकी 10 लाख होगी। तो फर्स्ट आपका ये बन जाएगा कितना 100%, कैसे 10 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 10 लाख, तो 10 लाख से 10 लाख कट हो जाएगा 100%। सेम वे में 12,50,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 12,50,000, तो ये अमाउंट भी आपका इसका भी परसेंट 100% होगा। अब आपको देखना है सेकेंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको जो दिया है 6,50,000, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो देखें 6,50,000 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में आपको सभी के कितना 10 लाख लेना है, इसलिए यहां पर जो आपकी अमाउंट होगी, तो देखिए 10 लाख में नंबर ऑफ जीरो कितना है, ऊपर के जीरो 20 और यहां पर 350 और ये 60, तो नीचे भी आपने 60 कट कर दी, बचा क्या 65, तो इसका परसेंटेज आ गया 65%, ये आपका हो गया 65%। अब आपको निकालना है इसका परसेंटेज, तो अमाउंट अपने पास है 8 लाख, 8 लाख मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में आएगा इसका 12,50,000, यहां पर नंबर ऑफ जीरो 4 कट कर दिए। अब आपको इसको 25 के टेबल से काटते हैं, तो 5 टाइम 25 के टेबल से 3 टाइम में 5 3 जा 75 25 से काटा 5 टाइम 25 से 25 3 जा 75, यहाँ 5 बचा तो 50 और 25 2 जा ये कट गया पूरा, अब बचा 0 320। अब इसे 5 के टेबल से आप काट देते हैं, तो 5 के टेबल से ये कटेगा, तो 5 से 5 6 जा 30 2 बचा 5 4 जा 20, तो आपका ये 64%, इसका जो परसेंट आया वो कितना आ गया
64%। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप इसमें दिया है क्या, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख दिया है, तो इस 1 लाख का परसेंटेज आप निकालते हैं, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन में आपको रिवेन्यू लेना है, तो कितना दिया इसका 10 लाख। तो ये जो 10 लाख आपका होगा, 10 लाख में नंबर ऑफ जीरो कितना है, 60, तो यहाँ पर आपने 2 और ये 3, 4, 60 कट कर दी, तो ये आ जाता है आपका 10%। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे 1,25,000 दिया है, तो 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन में आपको लिखना है 1,25,000, तो यहाँ 12,50,000 है, तो 12,50,000 यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 4 कट कर दी, यहाँ भी नंबर ऑफ जीरो 4 कट कर दी, 125 के टेबल से वन टाइम में 125 कटा, जीरो बचा, तो आ गया कितना परसेंट, 10%। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास अदर एक्सपेंसेज। अदर एक्सपेंसेज में आपको दिया है 70,000, तो 70,000 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में आ जाएगा 10 लाख। यहां पर अमाउंट आई कितनी, 10 लाख। 10 लाख में 60 है, तो यहां पर 40 और ये 6, यहां 60 काट दी, तो ये आपका आ गया कितना, 7%। सेम वे में आप 75,000 को सॉल्व कर देते हैं, तो यहां पर 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन में आ जाएगा कितना, ऊपर 12,50,000 और इसमें जीरो जितनी 40 कट करी, यहां भी 4। अब आप 125 के टेबल से इसको काटते हैं, तो यहां पर आपका जो 125 से अगर कट करोगे तो ये आएगा 125 और यहां पर ये आपका 6 टाइम में आएगा 6 100 के टेबल में 6 टाइम में 625 के टेबल में 6 टाइम में आ जाएगा 150, तो ये 6 टाइम में 750 आ जाएगा, तो इसका परसेंटेज आएगा 6%। नेक्स्ट आपको दिया है इसमें, अब आपका टोटल कर लिया, टोटल रेवेन्यू 8,20,000 हुआ, इसका परसेंटेज बनाएंगे तो 8,20,000 एक्सपेंसेज है टोटल एक्सपेंसेज 18 के, और नीचे आपका रेवेन्यू कितना 10 लाख, तो 10 लाख आपने यहां पर लिया, 10 लाख का नंबर ऑफ जीरो 60 कट कर दी, 20 और यहां पर 6, तो आपका 82% आ गया। फिर इस तरीके से 2018 में 10 लाख दिया है, तो 10 लाख को भी आप सॉल्व करते, तो 10 लाख मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में 12,50,000, तो इसका नंबर ऑफ जीरो 4 कट किया, अब 40 कट करने के बाद आपको 125 के टेबल से काट देना, तो 125 के टेबल में 8 टाइम में आ जाता है कितना, 1000 125 के टेबल में 8 टाइम में कितना ये आ जाएगा, 1000 8 टाइम में इसमें ये, और 25 8 टाइम में 100 में 800 और 25 के टेबल में 8 टाइम में 200, तो कुल मिलाकर 1000 कट गया 8 टाइम, 0 का 0 बचा, तो इसका परसेंटेज हमारा बना 80%। तो ये 80% आ गया इसका टोटल एक्सपेंसेज। अब आपका लास्ट पॉइंट आएगा कि ऊपर का जो रिवेन्यू दिया है 2017 के रिवेन्यू 10 लाख में से 20 माइनस किया तो क्या निकला अपना प्रॉफिट, तो इसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया तो ऐसा का ऐसा आपको करना है, ओनली परसेंटेज निकालना था इसमें, और आपको इसके नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। अब आपका लास्ट प्रॉफिट का भी परसेंटेज हम निकालें, तो यहाँ पर 1,80,000 जब आपको प्रॉफिट हुआ है, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे आपको कर देना इसमें 10 लाख, तो इसमें आपका 60 कट किया,
तो ये आ गया आपका 18%, इसका प्रॉफिट हुआ कितना 18% प्रॉफिट का, और फिर इसका 2,50,000, तो इस 2,50,000 को भी हम करते तो यहां पर 2,50,000 मल्टीप्लाई 100 और नीचे आपका आ जाएगा अमाउंट कितना 12,50,000, जिससे 40 आपने कट कर दी और 125 के टेबल से 2 टाइम में 250 आता है, 0 का 0, तो ये 20% इसका कितना आ जाएगा अपना, ये 20% हमने निकाल दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। तो इसका प्रॉफिट 20% ही आ गया और यहाँ पर आपका आ गया 18%। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।